हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको यूट्यूब के एक नए अपडेट के बारे में बताने वाला हूं और इसके साथ ही मैं आपको एक ऐसे फीचर के बारे में बताऊंगा जिसका यूज़ आप में से शायद ही कुछ लोगों ने किया होगा। इस फीचर का यूज़ करके आप दुनिया के किसी भी देश का ट्रेंडिंग टैब आसानी से देख सकते हैं। यानी कि जैसे कि इंडिया में जो हम रहते हैं तो इंडिया के जो भी ट्रेंडिंग वीडियोज़ होती हैं वो हमें पता चल जाती हैं, जो ट्रेंडिंग न्यूज़ होती हैं वो हमें पता चल जाती हैं। तो ऐसे में आप दुनिया के किसी भी देश का ट्रेंडिंग टैब ईजिली अपने में चेक कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको YouTube के एक नए अपडेट के बारे में बता देता हूं। तो ये जो अपडेट है ये YouTube के एप्लीकेशन में आया है। तो जैसे ही मैं आपको देखिए YouTube में लेके चलता हूं, तो YouTube में जाने के बाद जैसे कि मैं अपने चैनल पे अगर आपको लेके जाता हूं अनिल ठाकुर ऑफिशियल, तो यहां पे तो मेरा चैनल आ ही रहा है, तो मैं यहीं पे आपको ले जाता हूं। ठीक है, जैसे मैंने अपने लोगो पे क्लिक किया तो ये जो है मेरा चैनल आप देख सकते हैं अनिल ठाकुर ऑफिशियल के नाम से। तो यहाँ पे YouTube ने हमें एक नया अपडेट दिया है अपने YouTube एप्लीकेशन में, और वो अपडेट ये है कि जब भी आप किसी के चैनल पर विजिट करेंगे तो आपको इजीली यहाँ पे ये पता चल जाएगा कि उस बंदे ने या उस क्रिएटर ने जो है अपने चैनल पे कितनी शॉर्ट वीडियोस बनाई है और कितनी लाइव वीडियोस हैं। तो यहाँ पे देखिए, जैसे आप मेरे इस चैनल पे देख सकते हैं वीडियोज़ का सेक्शन आपको अलग दिखाई दे रहा है, जिसमें मेरी लॉन्ग वीडियोज़ ही आपको सिर्फ दिखाई देंगी और किसी भी क्रिएटर की दिखाई देंगी। और इसके साथ ही यहाँ पर जो शॉर्ट वीडियो का एक सेक्शन है ये अलग से ऐड किया गया है। यहाँ पे पहले ये चीज़ जो है YT स्टूडियो डेस्कटॉप वर्जन में और YT स्टूडियो मोबाइल वर्जन में ऐड की गई थी, लेकिन अब आपको ये YouTube में भी देखने को मिल जाएगा। इसके साथ ही अगर उस चैनल पे लाइव किया गया होगा तो लाइव की भी यहाँ पे एक सेक्शन दिखाई देगा, लेकिन क्योंकि मैंने अपने चैनल पे लाइव किया नहीं है इस चैनल पे, तो यहाँ पे लाइव का सेक्शन नहीं दिखाई दे रहा। बट मैं आपको दिखा देता हूँ कि लाइव का सेक्शन कैसे दिखेगा। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे एक चैनल है टेक्निकल योगी के नाम से, हम इनके चैनल पे अगर विजिट करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हो इन्होंने जो लाइव किए हैं उनकी वीडियोज़ आपको अलग से यहाँ पे दिखाई देने लग जाएंगी। यानी जो जो लाइव वीडियोज़ है वो अलग हो जाएंगी, जो शॉर्ट वीडियोज़ हैं वो अलग हो जाएंगी, और जो लॉन्ग वीडियोज़ हैं जो नॉन शॉर्ट वीडियोज़ हैं वो अलग हो जाएंगी। यहाँ पे एक चैनल और मैं यहाँ पे आपको सर्च करके दिखा देता हूँ। मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ मनोज दे, जैसे कि बहुत ही पॉपुलर चैनल है ये टैक्स से रिलेटेड। तो यहाँ पे हम जैसे सर्च करेंगे तो यहाँ पे इनका चैनल आ जाता है, इस पर हम क्लिक करेंगे तो इनके चैनल पर भी हमको तीन सेक्शन देखने को मिल जाते हैं। सबसे पहला वीडियोज़ का, दूसरा शॉर्ट्स का और तीसरा लाइव का। तो दोस्तों, ये जो है नया अपडेट यूट्यूब ने लॉन्च किया है, मुझे लगता है कि ज़्यादातर व्यूअर्स को यूज़र्स को ये अपडेट मिल चुका होगा। बट अगर आपको नहीं मिला तो घबराइए मत, कुछ दिनों में आपको ये अपडेट देखने को मिल जाएगा आपके यूट्यूब एप्लीकेशन में। अब दोस्तों, मैं बात कर लेता हूं ट्रेंडिंग टैब के बारे में। दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि आप जो ट्रेंडिंग टैब है वो चेंज कर सकते हैं किसी भी कंट्री का। तो यहां पे जैसे कि हम ट्रेंडिंग पेज पे जाते हैं तो यहां पे आपको वो वीडियोस दिखाई देंगे जो भी इंडिया में पॉपुलर चल रही हैं, ट्रेंडिंग में चल रही हैं, तो यहां पे आप देख सकते हो। लेकिन आपको इसे अगर चेंज करना है किसी और कंट्री में तो आप इजीली यहां से कर सकते हैं। बट कैसे करेंगे वो मैं आपको बता देता हूं। इसके लिए जाना पड़ेगा आपको अपने चैनल के सेटिंग में। ठीक है, तो आपको अपने यूट्यूब पे जाना है, फिर सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाने के बाद आपको यहां पे देखिए एक जनरल का ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर आपको क्लिक करना है। जब आप यहां पर क्लिक करेंगे तो आपको यहां पर एक लोकेशन का ऑप्शन मिलेगा, इस पर आपको क्लिक करना है और यहां से उस देश की लोकेशन चूज कर लेनी है जिस देश का आपको ट्रेंडिंग पेज देखना है। तो यहां से मान लीजिए हम अगर पाकिस्तान का ट्रेंडिंग पेज यहां पर चेक करते हैं कि भाई पाकिस्तान में क्या चल रहा है अभी इस वक्त ट्रेंडिंग में, तो जैसे हम पाकिस्तान पर क्लिक करेंगे और इसे बैक कर देंगे तो यहां पे रीलोड हो जाएगा। अब मैं आपको दोबारा से अपने ट्रेंडिंग टैब में लेके चलता हूं। तो यहां पे देखिए एक्सप्लोर पेज पे हम जाएंगे, अपने मतलब कि ट्रेंडिंग पेज पे जाएंगे और यहां से आप देख सकते हो कि ये जो है वीडियोस अभी पाकिस्तान में ट्रेंडिंग में चल रही हैं, जो शॉर्ट वीडियोस हैं। दोस्तों, इसके अनुसार आप अपने ट्रेंडिंग पेज में बदलाव कर सकते हैं और यहां पे आपको उस देश का ट्रेंडिंग वीडियोस, ट्रेंडिंग टॉपिक्स पता चल जाएंगे जो उस देश में अभी ट्रेंडिंग में चल रहे हैं। जैसे कि दोस्तों, आप सबको पता है कि ट्रेंडिंग में जो है शॉर्ट वीडियोस का जो सेक्शन है उसका एक अलग बना दिया गया है ताकि शॉर्ट वीडियोस जो है अलग सेक्शन में दिखाई दे। बट पाकिस्तान में ऐसा नहीं हो पा रहा है, पाकिस्तान के लिए यहाँ पे शॉर्ट वीडियो का अलग से कोई सेक्शन नहीं है, यहाँ पे मिक्स होकर हमको दिखाई दे रही है। जैसे कि इंडिया में हमको अभी कुछ दिन पहले तक दिखाई दे रही थी, बट इंडिया में हो सकता है कि यहाँ पे अलग से सेक्शन बना दिया गया है। ज़्यादातर वीडियोज़ जो है लॉन्ग वीडियोज़ वो ट्रेंडिंग में नहीं आ पा रही थी इस वजह से, लेकिन पाकिस्तान में ऐसा नहीं है। तो पाकिस्तान में अभी तक आपको देखिए यहाँ पे मिक्स में ही कॉन्टेंट दिखाई दे रहा है शॉर्ट वीडियोज़ का और लॉन्ग वीडियोज़ का। तो ये हमें तभी पता चला है जब हमने यहाँ पे अपना ट्रेंडिंग कंट्री चेंज किया है। तो आप इजीली यहां से अपना ट्रेंडिंग कंट्री चेंज कर सकते हैं। और ठीक वापस इसको पहले जैसा करने के लिए आपको अपने YouTube अकाउंट की सेटिंग में जाकर दोबारा से अपने कंट्री को इंडिया कर देना है। आज की वीडियो में सिर्फ इतना था। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो में बताई गई जानकारी अच्छी लगी होगी, पसंद आएगी। और अगर आपके मन में कोई सवाल है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में।